आज करनाल के पंचायत भवन में कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग मंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आज 10 शिकायतों को कमेटी के सामने रखा गया। 7 शिकायतों का निपटारा मौके पर किया गया। मंत्री नायब सैनी ने मौके पर अधिकारी का आदेश देकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं मंत्री नायब सैनी ने बताया कि 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया, जिन पर जाँच होगी। मीडिया से बातचीत में मंत्री नायब सैनी ने भारी बारिश के कारण जो ड्रेन साफ सफाई नहीं की गई, उनके कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत मंत्री के पास भी आ जाई थी। करनाल सीएन सिटी में सड़कों की हालत खस्ता होने की भी मंत्री के आगे बात रखी गई, जिस पर मंत्री नायब सैनी ने कहा कि सभी सड़कों पर रिपेयर के आदेश दिए गए हैं, जिन पर जल्दी पैचवर्क होगा। अगर सड़कों का काम नहीं हुआ, उसकी जाँच करवाई जाएगी। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 आइटम एजेंडे में थी और 10 में से 7 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। 3 समस्याएं पेंडिंग रखी गई हैं, उनको अगले एजेंडे तक रखा गया, उसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं, भी जांच करके उसकी रिपोर्ट आ जाए और उनका समाधान भी अगली बैठक तक हो जाएगा। और 7 समस्याओं का समाधान आइटमों का यहाँ पर किया गया है। के सब 2 दिन से बारिश हो रही है और तकरीबन जितनी भी ड्रेन है किसी जगह पे कोई सफाई नहीं है। उनके 2-2 करोड़ रुपए के बिल पास हो चुके हैं, लेकिन मौके पे कुछ ऐसी बात नहीं है। और ज्यादातर लोग अभी मेरे पास जो समस्याएं आई थी, मैंने अधिकारियों को पूछा भी है, उन्होंने कहा ड्रेन साफ है। और आपकी तरफ से अभी एक वीडियो मुझे दिखाई भी गई थी, भी इसके अंदर अभी सफाई नहीं है। तो मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा है, डीसी साहब को कहा है कि उनका ध्यान करके जहां पर भी इस प्रकार की अवरुद्ध जो सफाई नहीं है, उनको तुरंत सफाई की जाए, और ताकि लोगों को जल बढ़ाव के कारण वो किसी प्रकार की दिक्कत न हो या उनकी फसल खराब न हो और उसका समाधान तुरंत निकाला जाए। शिमला की हालत बहुत दयनीय है। बात करें कि माल रोड की, शिमला जाए मंसूरी जाए, वहाँ का माल रोड का अपना एक नाम होता है। यहाँ के माल रोड की इतनी पहली बार हाल 4 साल में इतनी खराब हुई है। वीआईपी लोग इतने मतलब उसमें है कि इतनी हालत उन्होंने कहा कि कभी खराब देख रही है। तो क्या कहना है कि माल रोड भी ठीक नहीं हो रही? करनाल के अंदर तो इतना विकास के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर क्योंकि समान रूप से पैसा लग रहा है विकास के लिए, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। ही करनाल की है तो मैं बता रहा हूँ वो उसके अंदर, क्योंकि जो ये हमारा असंध रोड है, असंध रोड ये सारा का सारा NH बना है और उसके लिए बाईपास भी निकाला है और उसमें ही वो आया है और वो सारा का सारा सीगर ही हादसे डेली हो रहे हैं और हादसे लोग शिकार हो रहे हैं। हम अगर यही इंतजार करते रहेंगे 4 लेन का तो वो लोग जो हादसे शिकार गए वो कहाँ जाएंगे? नहीं, उसके लिए हमने तुरंत डीसी साहब को ये बात कही है कि जो उसके अंदर जहाँ पर भी कोई खड्डा बना हुआ है उसके ऊपर तुरंत उसकी खड्डे की भरपाई करके उसका मेंटेनेंस किया जाए। और वो अभी हमने कहा है, एक शिकायत आई थी हमारे पास उस रोड की भी, उसकी तुरंत उसको ठीक किया जाए ताकि लोगों को उन खड्डों से बचा जा सके और जल्दी ही NH वो रोड बना रहा है और NH उसको 4 लेनिंग कर रहा है। सर, पिछले दिनों में कैथल करनाल रोड का एक मामला सामने आया था, आपने उसके ऑर्डर भी दिए थे, लेकिन आज भी वैसे के वैसे है। 2 करोड़ पानी में बहा दिया गया है और कुछ नहीं हुआ, ना पैच वर्क हुआ ना कुछ हुआ। आप एक बार देखिए, करनाल कैथल रोड की हालत बहुत खराब है, वैसे की वैसे बजरी पड़ी हुई है, वो 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है। नहीं, जब उसके ऊपर हमने कहा होगा तो जरूर उसके ऊपर पैच वर्क हुआ होगा। ऐसा नहीं पैच वर्क हुआ होगा और उसकी हम जाँच भी करवा लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो जांच भी करवा लेंगे।